दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा सफल साबित होने वाली तुम्बाड़ मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स को आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। नंबर वन, तुम्बाड़ एक ऐसी पहली मूवी थी जिसको दो बार शूट किया गया था। इस मूवी की पहली शूटिंग 2012 में कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन मूवी की एडिटिंग के बाद मूवी के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे को इस मूवी से संतुष्टि नहीं मिली थी। इस वजह से इस मूवी को मई 2015 में दोबारा से लिखा गया एंड शूट किया गया। इस प्रकार इस मूवी को दो बार शूट किया गया था। नंबर टू, दोस्तों तुम्बाड़ मूवी को चार बार डब किया गया था, क्योंकि इस पूरी मूवी के अंदर हमें बारिश वाले सीन्स दिखाए गए थे, जिसकी वजह से अभिनेताओं की जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही थी। तो इस वजह से इस मूवी को चार बार डब किया गया था, ताकि जो अभिनेताओं की आवाज है उसमें क्लियरिटी लाई जा सके। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूवीज को नॉर्मली भी डब किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो हॉलीवुड की मूवीज है वो इंडिया के अंदर आती है तो उन्हें हिंदी में डब किया जाता है, एंड जो बॉलीवुड या इंडियन जो मूवीज होती है जब ये एक अमेरिका है जैसे दूसरे देश में जाती है तो उनको उस भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है या डब किया जाता है। तो ठीक वैसे ही मूवीज को नॉर्मली भी डब किया जाता है, क्योंकि मूवीज की जो शूटिंग है वो हर जगह होती रहती है, कहीं जहाँ पर हवाएं चल रही होती है या कहीं भी शोर शरा या क्राउड होता है वहां पर भी शूटिंग मूवीज की होती है। तो इसलिए जब एडिटिंग होती है इन मूवीज की उस टाइम पर इन मूवीज को दोबारा से डब किया जाता है, ताकि इन अभिनेताओं की आवाज में क्लियरिटी लाई जा सके। नंबर थ्री, इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए एंड इस मूवी को रिलीज टाइम पर सिर्फ 575 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी ने 13 करोड़ 57 लाख रुपए का बिजनेस किया था। तो दोस्तों सोचिए अगर इस मूवी को भी बड़े बजट वाली मूवीज की तरह 575 स्क्रीन की बजाय ज्यादा स्क्रीनों पर एक साथ रिलीज किया जाता तो यह मूवी आराम से 100 करोड़ के अराउंड का बिजनेस कर लेती। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, जब आप इस मूवी को देखोगे, जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता है कि इस मूवी में कितना दम है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा जब आप इस मूवी को देखोगे तो आप बोलोगे भाई वाकई में मूवी है। नंबर फोर, मूवी के अंदर विनायक राव के बेटे का किरदार जिस चाइल्ड एक्टर ने निभाया था उसी चाइल्ड एक्टर ने विनायक राव की भयानक सी दिखने वाली दादी का कैरेक्टर भी प्ले किया था, और इस चाइल्ड एक्टर का नाम है पीयूष कौशिक। और जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी उसके टाइम इनकी उम्र थी सिर्फ 16 साल। भाई कितनी कम उम्र में इतनी डेडिकेशन के साथ इस बंदे ने काम किया था, जब आप इस मूवी को देखोगे तब पता चलेगा। नंबर फाइव, पीयूष कौशिक को मूवी के अंदर दादी का गेटअप देने के लिए जो प्रोटेस्टिक मेकअप किया जाता था उसे कंप्लीट होने में 6 घंटे का समय लगता था, एंड इस प्रोटेस्टिक मेकअप का जो वेट था वो 20 किलोग्राम के करीबन था। दोस्तों अब बढ़ते हैं इस तुम्बाड़ मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स की तरफ जो दिखने में काफी अमेजिंग होने वाले हैं। अभी आप स्क्रीन पर जिस बिहाइंड द सीन को देख रहे हो यह उस वक्त का है जब विनायक राव अपने बेटी को पहली बार देवी की कोख में लेकर जाता है, ताकि वह अपने बेटे को सिखा सके कि देवी की कोख में जाकर हस्तर पर से सोने के सिक्के कैसे लाए। तो उस वाले सीन को यहाँ पर किस प्रकार शूट किया जा रहा है उसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड जो हमें देवी की कोख दिखाई गई थी यह एक पूरा सेट था, एंड इस सेट को यहाँ पर आप बनता हुआ देख सकते हो, एंड इस सेट को बनाने के लिए फियोफोम केमिकल का यूज किया गया था। एंड दोस्तों हमें जो तुम्बाड़ मूवी के अंदर बारिश वाले सीन्स दिखाए गए थे उन सीन्स को कैसे आर्टिफिशियल बारिश का सारा लेकर शूट किया जाता था उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और साथ ही आपको यहाँ पर पानी के पाइप भी नजर आ रहे होंगे, इन्हीं पानी के पाइप से आर्टिफिशियल बारिश की जाती थी। और जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी उस टाइम पर बारिश का ही मौसम था। एंड दोस्तों इस मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे तुम्बाड़ के अंदर, और आप इस तुम्बाड़ को गांव भी बोल सकते हो। दोस्तों अभी आप जो सीन देख रहे हो दरअसल ये सीन उस वक्त का है जब विनायक राव का छोटा भाई पेड़ से गिर जाता है और उसके सिर में लग जाती है, तो उस वाले सीन को यहाँ पर कितने परफेक्ट तरीके से शूट किया जा रहा है उसे आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। अगर मुझे इस मूवी के सबसे डरावने अगर कोई सीन लगे तो वो सीन थे जब हस्तर के संपर्क में आने से बॉडी में बदलाव होते थे, जैसे विनायक राव की भयानक सी दिखने वाली दादी, विनायक राव का दोस्त, एंड मूवी के एंडिंग में खुद विनायक राव। भाई जब इन कलाकारों का मूवी के अंदर इन गेटअप में देखोगे तो भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई इस मूवी के अंदर जो प्रोटेस्टिक मेकअप किया गया था इन कलाकारों के ऊपर वो काफी डरावना था, और आप जब इस मूवी को देखोगे तो आप खुद ही देख समझ जाओगे। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे जो मूवी के अंदर हमें दादी दिखाई गई थी भयानक सी उसे कैसे प्रोटेस्टिक मेकअप के जरिए लुक दिया जाता था,
उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड भाई पीयूष कौशिक की इस दादी के गेटअप में जो एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। पाजी पीयूष कौशिक जी आप द ग्रेट हो। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो में। आपको तुम्बाड़ मूवी का या बिहाइंड द सीन का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आप लोग आगे भी ऐसी मूवी बिहाइंड द सीन से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे इस चैनल मूवफैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।